हेलो एवरीवन, आज फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में मधुमक्खी के बारे में बताने वाला हूँ। और मधुमक्खी तो आप जानते हैं, ये बड़ा होता है पर उससे छोटा है, वैरायटी उसी का है। बट मधुमक्खी की तरह छत्ता बना के उसमें भी ऐसे ही मधु को कलेक्ट करके रखता है। तो आज हम उसी मधुमक्खी को मतलब निकालने जा रहे हैं, या फिर जो भी है कलेक्शन करने जा रहे हैं। और अपने पास ये रख लाड़ी, जिसके माध्यम से हम लोग कट करेंगे पेड़ को। पेड़ को तो पूरा नहीं काटेंगे, उसको जहाँ पे मतलब जिस एरिया में है वहाँ पे काटेंगे। उसके बाद हम लोग उसको निकाल लेंगे और साथ में झोला पकड़े उसमें लेके आएंगे घर वालों के लिए भी। और हम लोग तो खाएंगे ही खाएंगे। हम लोग सबसे पहले पहाड़ में ही खाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है मेरे गाँव से। पहाड़ में मैं एक दिन घूमने गया था, तो उसी दिन मुझे दिख गया था। पर मेरे पास कुछ ऐसे कट करने के लायक कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो मैंने नहीं कट किया। फिर आज इस हमारे भाई साहब को लेके जा रहा साथ में, ऐसे रहेगा, देखते हैं। और आप लोग तरफ जिस मधु को क्या बोलते हैं थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। मैं तो अपने बस्तर में अधिकतर लोग गोंडी जात के लोग ही निवास करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं उर्वे करके। और दुर्वा जात के लोग बोलेंगे उसको तीनी। और हल्बी वाले क्या बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा है, पर आप लोग अगर इस वक्त हल्बी लोग होंगे, देख रहे होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा देख रहे होंगे तो। और आप अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या बोलते हैं उस मधु को, वो भी जरूर बताइए कमेंट करके। मैं उस मधु के पास पहुंचने के बाद फिर से बताऊंगा कि कैसे दिखता है। सबसे पहले तो दिखाऊंगा कि है कि नहीं है, वो देखना पड़ेगा पहले। मेरे से पहले कोई अगर निकाल लिया होगा, किसी के नज़र में आ गया होगा तो निकाल लेगा, लेकिन अगर नहीं निकाला होगा तो ठीक है, मैं दिखा देता हूँ फिर चलूँगा। ऐसा भी हम लोग फाइनली पहाड़ के पास पहुँचने वाले हैं। और अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश हो गए, ये तालाब में जाके, तालाब ये रहा इधर। और अभी हम लोग निकल लेंगे, ये करंज का दातुन है। इसका बोट निकलने में होंगे मैं अपनी नाटा, करंज का इसी फैमिली से है ये, तो वही आज का दातुन आज इसी में होगा। हम लोग का ब्रश तो नहीं हुआ था, जंगल में यही करेंगे। और बहुत सारा पेड़ है अपने पहाड़ के जंगलों में। और फाइनली पहाड़ पहुँच गया हूँ। और मैंने जिस पॉइंट पे देखा था वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, कौन सा पहाड़ मतलब कौन पास देखा था, नहीं मिल पा रहा है। अभी मुझे खोजना पड़ेगा, इसी आसपास कहीं देखा था मुझे ऐसा लग रहा है। एरिया में मैं पहुँचा हूँ, देख सकते हो पूरा पहाड़ कैसा है, पूरा जल गया यार। गर्मी में कोई कोई महुआ के पेड़ पे महुआ भी नहीं फल सकते, आग लगा देते हैं। कहीं कहीं पे बचाया गया है, लेकिन कुछ एरिया तक का बचाया गया, मतलब ज़्यादा एरिया बचा हुआ है, लेकिन इस एरिया में नहीं बचा पाया। इधर पास में है महुआ का पेड़, इधर बहुत सारे गाँव के लोग आते हैं, रात में पेड़ जलती है मतलब एकदम चमकता है, चमकने वाला पेड़ या कुछ भी होगा आप समझ सकते। और वो पेड़ है यही बात है, ये वाली बहुत ही मतलब ये अभी तो छोटा है। तो हम लोग को जहाँ पे रायपुर में दिखाए थे अर्बल गार्डन में, मेडिसिनल अर्बल गार्डन में, वो पेड़ थोड़ा सा मतलब एडल्ट नहीं हुआ था और उसमें इस तरह की वाइटनेस नहीं आई थी। ये क्योंकि जंगल पे अभी पहाड़ पे रह रहा है, तो ये अभी वाइटनेस आया हुआ है इसमें। ये भूतिया पेड़ के नाम से इसको जानते हैं। और इस पेड़ से रेजिन निकाला जाता है, और बस्तर के लोग इसी का रेजिन खूब महंगे में मतलब मार्केटों पे ले जा कर के बेचते हैं। और सुनने में आता है कि इनसे बॉटल वगैरह बनाने में उपयोग करते हैं, इसका जो रेजिन निकलता है लासा तरह, लासा की तरह निकलता है। और आयुर्वेद में तो इसके बहुत सारे मेडिसिन में उपयोग होता है इसका जो रेजिन निकलता है उसका। और फ्रूट तो उसके गुच्छों में पलते हैं, और पेड़ तो मैंने दिखा था, दूसरा वाला पेड़ था बड़ा वाला,
उसने सारा फुला हुआ था में। तो उसको मैं अभी कहीं पे अगर इधर आगे में मिल जाएगा फिलहाल में उस पेड़ को हमने ट्रैक कर लिया है और हो रहा ये वाली पेड़ और रात में बारिश हुआ ना तो इसलिए थोड़ा सा मक्खियाँ भी नहीं निकल रही थोड़ा अंदर चलते और कुछ खाना तो कुछ तो बात है इस तरह से दिखेगा वाले दिन से है जमीन है आसमां यही का फाइनल कट करने वाले हैं निकालते बने तो रास्ता बनाएंगे और देखते हैं कितना टेस्टी रहेगा फिर निकालते भी दिखाएंगे आपको किस तरह दिखता है पूरा छत्ते के साथ और टेस्ट तो रहेगा आप मधु के बारे में जानते हैं कुछ बात है कुछ तो बात गाय सभी हम लोग पारने वाले हैं पेड़ के बीच से और निकालेंगे मधु जैसे दिखेगा वो तो दिखाई देंगे फाइनली गाइस अभी कट आउट हो गया है अब थोड़ा सा बचा है अभी निकलने वाला और हम लोग तो भाई इस तरह से कपड़े बांध के रखा है पूरा कवर कर लिया था मैंने अपने से काट देता है काट देने के बाद पूरा शरीर सूज जाती है काटा छोड़ देता है बस बांध लिया और ये भाई साहब ने अभी नहीं बांधा है फाइनली कट कर लिया है ये दिख रहा है पेड़ और इसके नीचे तक चला गया खूब सारा है तो अभी ये देख लो कैसे दिख रहा है ये देख ये वाली और नीचे तक गया हुआ है नीचे इधर अंदर भाई खूब टेस्टी है यार मजे ही में रहेंगे आज को और इसमें प्लस पॉइंट है हम लोग को दो दो चीज है दो मधु एक छोटा सा है जिसका अंडा दिख रहा होगा ना आपको ये इधर में मिलेगा ये वाला ये वाले अंडा अंडा दिख रहा है ना ये वाला ये छोटा है और इससे भी एक गोंद की तरह बनाएंगे जैसे कि फेविकोल रहता है उसी तरह इसको चबाने के बाद इसका पूरा रस खाने के बाद बनता है और इसको तो अभी कट करेंगे हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के ये नीचे तक और दिखाएंगे कितना ज़्यादा निकलेगा देखते हैं और हम लोग का झोला तो आज शायद फाइनली भरने वाला है मजे करेंगे देखते हैं फिर फाइनल कट करेंगे उसके बाद दिखाएंगे तो दोस्तों हम लोग इधर से कट करना ऊपर से चालू किए थे लेकिन हम लोग को नीचे तक जाना पड़ेगा क्योंकि उसका छत्ता जो है ना लंबा लंबा है नीचे तक के दिख रहा है तो उसके लिए हम लोग नीचे कट कर रहे हैं और मक्खियाँ निकल गई भाई ये नीचे तरफ ये नीचे में और छेद है शायद बिल ये रहा ये देखो ये कितना डरावना मक्खियाँ हैं और काटा तो दुबा ही देते हैं इसकी आवाज़ सुन लो फिर ये रहा बिल नीचे और ये निकल रहे हैं इधर हम लोग तरफ हमला नहीं करेंगे सेफली निकल के जा रहे हैं और ये इन लोग का शायद बाईपास है बहुत ही अच्छा हम लोग को कोई खतरा नहीं है और हाँ दोस्तों मेरे को सबसे मतलब ख़राब ये लग रहा है कि यहाँ पे खूब सारे मक्खियाँ हैं जंगल पे पहाड़ पे और उनका आवाज़ आ रहा है कि जिसके वजह से मेरी वॉइस तो उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी आ रही होगी लेकिन उनका भी वॉइस आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा साउंड हो जाएगा ना यार तो इसीलिए मैंने इसके पहले जो ब्लॉग बनाया था चापड़ा चटनी वाला वही लाल चिट्ठियों के ऊपर उसमें भी सेम यही प्रोसीजर था और यही मक्खियाँ खूब अल्लाह कर रही थी उसके वजह से अच्छा मतलब आवाज़ सुनाई नहीं दे पा रहा था तो यहाँ की एक मुझे यही अच्छा नहीं लगा हम लोग ये निकाल लिए फाइनली बचा हुआ है और इतने इससे ज़्यादा लंबा और हम लोग ये निकाले थोड़ा सा इसमें टुकड़ा करके क्योंकि बहुत लंबा था और इसके नीचे और भी है उसको कैसे निकालेंगे थोड़ा देखना पड़ेगा और ये रहा लंबा लंबा क्या सुपर जंगली जिंदगी सुपर दोस्तों ये अभी मदुरा से हम लोग निकाल रहे हैं और ये चिकित्सीय उपयोग में करेंगे मेडिसिनल पर्पस में और ये जो जो मेडिसिन हमें मदुरस के साथ खाना पड़ेगा उसके साथ हम लोग खाएंगे और ये आयुर्वेद की दवाओं पे बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत सारे बीमारियों को दूर करता है।
गाइस हम लोग फाइनली पूरा मतलब मधु को निकाल लिया और लेके आ गए, जब भी बता रहा था वो वाला तालाब में। अभी नहा धोना हो गया, नहाना धोना, उसके बाद खाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद चलेंगे। मम्मी लोग को बता के आया था मैं, तो वेट कर रहे होंगे। ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, देखो कितना एकदम ऑयली है, पूरा ऑयल भरा हुआ है, चमक रहा है। खाते हैं फिर क्या टेस्ट है। पूरा एकदम ऑयल भरा हुआ है, बहुत ही मीठा लग रहा है। और इस तरह तो नामुमकिन है भाई, जंगल की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। और तालाब में पूरा आइडिला भरा है और बहुत ज़्यादा एकदम पानी को ढक दिया और खूब अच्छा ठंडा है। मैं नहाया धोया, फिर सुबह भी साबुन साथ में लेके आ गए थे। और अब जाएंगे, मम्मी लोग वेट कर रहे होंगे, खाते हैं इसको, फिर चलेंगे। छोला भरा हुआ है, अरे कुछ बात है, अरे भाई टपक रहा है। इससे बने रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों के पास, हमसे करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं।